अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ रोही के साथ मैं हूँ फातिमा महर। नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। मलिक सजाद रनूजा की इस रिपोर्ट के मुताबिक राजनपुर के नवाही इलाका कोटला अंदरून में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उस्ताद खालिद अंसारी और अब्दुल फरीद मरकर ने मलिक सजाद रनूजा वॉइस ऑफ रोही को बताया है कि मौजा कोटला अंदरून में दीन इस्लाम को उजागर करने के लिए दावत इस्लामी ट्रस्ट को 157 कैनाल 11 मरले इंतकाल शुदा जमीन दी गई है। जिस हस्ती ने जमीन दी है इनका नाम मियां अब्दुल फरीद मरकंड साहब थे। इन्होंने ये काम अल्लाह की रजा के लिए किया है, जिसमें बच्चे और बच्चियां कुरानी तालीम हासिल करेंगे। इंशाल्लाह बहुत जल्द ये काम शुरू होगा और इस काम में अहले इलाका और आशिकान रसूल से अपील की जाती है कि इस काम में हिस्सा लें। इस ट्रस्ट के मेंबरान और जिम्मेदारान दावत इस्लामी। मैं ने अपनी ज़ाती जायदाद और अपनी बहन की ज़मीन जो कि मुझे उन्होंने 2007 में दी थी, अल्लाह की राह में जनाना दस्तगाह के लिए दावा इस्लामी को दिए। वो तकरीबन 157 कनाल 11 मरले मिलती है। 44 कनाल और भी मैंने अपनी ज़ाती ज़मीन में से उनको दिए, ताकि यहाँ इस डिवीजन में, इस इलाके में औरतों के लिए कोई दस्तगाह नहीं है दीन दर, ताकि ये लोग इस्लाम के दर्श का। अच्छा खालिद साहब, सब एर से सो ए जगह जी जमीन तो मिली गई है, अब मियां अब्दुल फरीद साहब देती है, वो जमीन केरी जगह आते है? अब्दुल फरीद साहब ने जी ये जमीन 157 कनाल 11 मरले कादरे दे अगू मशरक की तरफ मोड़ के मुनसलिक मड डोडूजा सड़क इतों शुरू थी है, बख्शल जी सड़क टर्न थी वही है, हिंद नाले मुतसिले रकबा है, ठीक है ना सही। अच्छा 29 एकड़ क्या वो जमीन होने किने मुस्ताजरी दी हुई है जी? साकू अब्दुल फरीद ने इस्लाम बतौर अमानत वो साकू दिते कि ये जी जमीन है मैं 2 साल वास्ते मुस्ताजरी दी हुई है, और जरा इस्टाम ये मैं तो देना पाया, मैं एक कब्जा ये हर शायद मैं तो दावत सामी को मैं। खबरें आपने जानी, मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए।